जय हिंद, स्वागत है आप सभी का। देखिए KVS यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में यहाँ पर जो आपका एक नया रिजल्ट है वो आपका ऑफिशियली आउट हो चुका है। तो आपके रिजल्ट के बारे में और नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में जो भी यहाँ पर आपकी ऑफिशियल अपडेट है, चलिएगा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका ऑफिशियल रिजल्ट जो कि आपका प्राइमरी टीचर मिजू की जो पोस्ट है उसके लिए आपका आउट किया गया है। यहाँ पर जो अब आपके नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी वो है आपका इंटरव्यू। यहाँ पर ये जो लिस्ट है आप देख भी सकते हैं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022 से 2023। तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर, आपका नेम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, यहाँ पर आपके जो नेक्स्ट प्रोसेस है इंटरव्यू उसके डेट आपको आपके नाम के सामने बताई गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पूरा आपका रिजल्ट है वो आप चेक कर पाएंगे। यदि हम बात करें कि इस आपकी म्यूजिक की पोस्ट के लिए कितने बच्चे आपके एग्जाम में क्वालिफाई किए गए हैं, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि टोटल 969 आपके ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आपके म्यूजिक की पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं आपके इंटरव्यू के टेस्ट के लिए। और यहाँ पर देखिएगा, आपको बता देते हैं कि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है प्राइमरी टीचर के लिए वो आपकी बनेगी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, इन दोनों के मार्क्स को जोड़कर। तो यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू है इसमें भी कोशिश आपको करनी है कि जितना आपसे हो सके उतना बेटर स्कोर आप कर पाएँ। और यहाँ पर जो आपका म्यूजिक टेस्ट अब इंटरव्यू होने वाला है प्राइमरी टीचर का, यहाँ पर नोटिस आप देख सकते हैं, ये 11 अप्रैल का नोटिस है। इसमें कहा गया है कि जो अब यहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाला है वो आपका 1 मई 2023 से स्टार्ट होगा और जो कि आपका 4 मई 2023 तक चलने वाला है। यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम था वो देखिए आपका 9 फरवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था। यदि हम बात करें कि जो आपका इंटरव्यू है उसके लोकेशन क्या रहेगी, तो यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू का लोकेशन है, वेन्यू ऑफ ए इंटरव्यू है, वो आपका देखिए केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम कोलकाता वेस्ट बंगाल, यहाँ पर सभी का जो इंटरव्यू है वो आपका इसी जगह पर कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर है, आपका बायोडाटा है, सब कुछ यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं और इंटरव्यू को टाइम जो है आपको लेकर जाने हैं। तो ये थी जानकारी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। जैसे कोई आपकी नई अपडेट आएगी तो आपको बता देंगे। आगे के लिए जुड़े रहिएगा। जय।